मनजीत सिंह जी के वर्सिस गुरमीत सिंह शंटी। फेवर दे विच जाण वाले जिहड़े पॉइंट सी उन्होंने पॉइंट्स नूं लैके उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जज साहब दे अगे, जिस दे विच मनजीत सिंह जी के ने बड़ा जोर मारिया, बड़ा हल्ला मारिया कि मैनूं कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। शायद जिहड़े कागज़ पत्र या जिहड़े सबूत सानूं पूरियां मेहनतां तों बाद भी नहीं मिल सकते सन, वह आई ओ ने दिल्ली गुरद्वारा कमेटी तो 974 पन्नियां दी जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, उस रिपोर्ट दे विच उसने कागज़ एक तरीके नाल गुरु महाराज ने साड़ी आप अंग संग साई होकर सानू परोस के देते। तो एसपी साहब दा उत्थे कहना सीगा कि नहीं 409 भी बनती है, 409 जड़ी होंदी है लाइफ इंप्रिजमेंट दी होंदी है, उम्र कैद दी होंदी है, जड़े छेले चपाटे होंदे ने जिन्होंने इस गोलक चोरी दे विच अपना हिस्सा वंडाया होंदा है। एडवोकेट रजिंदर छाबड़ा जी, ये अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक ऑर्डर पास किया है। कई ऐसे ऑफेंसेस निकलेंगे जिसके अंदर इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के, जैसे इन्होंने 4 NGO बना रखी है, बाबा हरनाम सिंह जी धूमा, उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, ही विल बी इनरोल्ड एज एन एक्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस, और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी दे विल बी लैंग्विशिंग इन द तिहाड़ जेल फॉर देयर बैड कर्मा। और 125-150 करोड़ की फिगर जी ओपोजिशन वालों लगाई जाती है, क्योंकि वह संगत का पैसा है, संगत की दसवंत का पैसा है। मनजीत सिंह जी के वर्सिस गुरमीत सिंह शंटी। ताज़ा अपडेट लई अज साढ़े नाल ने गुरमीत सिंह जी शंटी, असी उन्हां दा स्वागत करने हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। इस केस नूं लैके पिछले दिनों दे विच काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही क्लोजर रिपोर्ट। असी गल करांगे जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट आन तो बाद मनजीत सिंह जी के वलों कहा गया कि उन्हां नूं पुलिस वलों क्लीन चिट मिल गई है। तो शंटी जी, असी पुछांगे कि क्लोजर रिपोर्ट किवें फाइल हुई और उस तो बाद जिहड़ी प्रक्रिया हुई वह की सी। देखो जी, सब तो पहले तो मैं एक गल दस जाना चाहवा कि सच परेशान तो जरूर हो सकता है पर कदे हार नहीं सकता। ठीक उस तरह जी असी इस करप्शन के केस में उजागर किया, जो गुरु की गोलक की लुट हुई, मनजीत सिंह जी के उर्फ GC गोलक चोर जिदे वास्ते मैं लफ्ज इस्तेमाल करदा, जी गुरु की गोलक की चोरी हुई, उस बड़े तरीके नाल, बड़े हाई प्रोफाइल तरीके नाल इन्होंने पूरा सरकारे दरबारे सारा अमला जमला सारिया सरकारां और सारा का सारा पुलिस तंत्र मैं अच कहांगा कि बिल्कुल विकिया होया सी। उस पुलिस तंत्र ने इन्हां दी जितनी मदद कर सकते सी अख बंद करके, मैं तो कहांगा कि अगर पुलिस वालों कदे कोई स्टेटस रिपोर्ट भी उत्थे फाइल होई तो वह भी बकायदा मनजीत सिंह जी के उन्हां दे वकीलां ने, सीनियर वकीलों ने तैयार की थी, तो DCP वगैरह ने, तो मैंने लग्या उन्हें स्टेटस रिपोर्टा और सारे कागजों को देख के कि खाली अख बंद करके सिर्फ साइन ही किए हैं, भावें IO होवे, भावें SHO होवे नॉर्थ एवेन्यू थाने का, तो भावें होवे कोई भी वड्डा अफसर, उन्होंने सब ने भरपूर मदद की। उस भरपूर मदद का नतीजा उन्होंने मनजीत सिंह जी के यह दिता कि दिल्ली पुलिस ने जिन्हें भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गुरद्वारा कमेटी तो और उरांपरा तो जी भी इन्वेस्टिगेशन की, उस दे बिहाव ते कोर्ट नूं गुमराह करन दी कोशिश कीती, 974 पन्नियां दी रिपोर्ट फाइल कीती और उन्हां नूं लग्या कि एड्डी वड्डी रिपोर्ट नूं कौन पढ़ेगा ते कौन मेन मेन फैक्ट्स वल ध्यान करेगा, ते जो भी उन्हां नूं ठीक लग्या मनजीत सिंह जी के उर्फ GC दी फेवर दे विच जाण वाले जिहड़े पॉइंट सी उन्हां पॉइंट्स नूं लैके उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जज साहब दे अगे, जिस दे विच मनजीत सिंह जी के ने बड़ा जोर मारिया, बड़ा हल्ला मारिया कि मैनू कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, इंज हो गया उंज हो गया, PC करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने संगत के सामने कई तरह की बयानबाजियां कीतियां, कई तरह के पोस्टर छापे, कई तरह का कुछ किया। लेकिन मैं तुहानू हुणे पहला भी कहा कि सच सामने आने दे विच जिन्नी मर्जी परेशानियां आण लेकिन सच सामने आ के रहिंदा। लेकिन जिहड़ी गल है कि पुलिस वालों, तुसीं हुणे जिवें कहा कि सवालिया निशान पुलिस ते भी आंदा है कि जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट है वह सिर्फ ते सिर्फ वन साइडिड बिना सबूतां दे बिना तथ्यां नूं जांचे कीती गई, ते लेकिन एक चर्चा दा विषय बनी रही कि जिस दिन क्लोजर रिपोर्ट हुई उस तो बाद डेट पैंदियां रहियां, तो एक वह भी जी चर्चा का विषय बने रही और कितने ना कि भी सवालिया निशान सोशल मीडिया से नज़र आते रहे। देखो की है कि 974 पेजा की रिपोर्ट अगर पुलिस फाइल करती है और असी अगर बिना तैयारी तो वो जावे तो यकीनन जो पुलिस ने बना के सामने एक अंधेर गर्दी मचा के जड़ी जज साहब के सामने एक फैब्रिकेटेड सबूतों के नाल जड़े असल सबूतों ने उन्होंने दरकिनार करके जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, अगर असी उन्होंने पूरी गहराई ना स्टडी ना करते तो शायद अज मैं
इस गल का गुरु माण ना करावे कदे भी, क्योंकि जो हिम्मत बख्शी है गुरु ने बख्शी है, जो असीसा ने संगतां दीआं ने। लेकिन फिर भी इस गल नूं कहना चाहवांगा कि अगर शायद मेरी जगह इस केस में कोई होर फाइट कर रहा होता तो मनजीत सिंह जीके नूं जिहड़ी पुलिस डिपार्टमेंट ने मिल के क्लीन चिट दी सी ते वाकई वह क्लीन चिट होकर निकल जाता। पर इत्थे एक गल मैं कहना चाहवांगा कि सच हमेशा आप उजागर होंदा है। शायद जिहड़े कागज़ पत्र या जिहड़े सबूत सानू पूरियां मेहनतां तों बाद भी नहीं मिल सकते सन, वह आई ओ ने दिल्ली गुरद्वारा कमेटी तो 974 पन्नियां की जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, उस रिपोर्ट के विच उसने कागज़ एक तरीके नाल गुरु महाराज ने साड़ी आप अंग संग साई होकर सानू परोस के देते। नहीं इस गल नूं थोड़ा जिहा क्लीयर करोगे कि बई किहड़े की हिसाब नाल उन्हें किस तरह परोस के दिते, मैं तुहानूं दसा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी तो जिस तरह की आई ओ ने रिकॉर्ड असी बार बार जज साहब नूं कहा कि गुरुद्वारा कमेटी की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल चैक करवाओ, गुरुद्वारा कमेटी की कैश बुक है, गुरुद्वारा कमेटी की टैली का रिकॉर्ड है, गुरुद्वारा कमेटी की डे बुक का रिकॉर्ड है, गुरुद्वारा कमेटी का खजाने का रजिस्टर है। और यकीन जानना कि आई ओ नूं शायद कुछ जगह के उत्ते जी उन्हें 974 पेज की रिपोर्ट फाइल की 250 तो 300 पन्ने पंजाबी विच सन, जिसकी उसने कई जगह पर ट्रांसलेशन की नहीं, उसनों जो अक्यूज परसन ने कट्ठा करके दिता बिना किसी गल ध्यान किए उसने उस फाइल ही साइन करके रख दिता। लेकिन जब तुम उस गहराई में स्टडी किया देखा तो जो एलीगेशन असी लगाए थी चीज़ा खुद ही वो बोल रही सन, जिस तरह की कैश बुक बोल रही थी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की कि जो डेट मैं दसी, जो वोचर नंबर मैं दसिया, जो अमाउंट मैं दसिया, जो बैंक का नाम मैं दसिया, जी बैंक की ब्रांच मैं दसी, उन्हों की खुद की कैश बुक के शो हो रहा है कि वोचर नंबर 3468, डेट 30/6/2016 और रुपये 51,57,73 रुपये 20 पैसे, और उसको बैंक के एक्सिस बैंक के भेजा गया जमा कराने वास्ते, जो कि अज तक कदे भी जमा नहीं होया। ठीक इसी तरह जिहड़ी उन्हां दी टैली दा रिकॉर्ड सी वह भी यही बोल रहा है, जो उन्हां दा खजाने का रजिस्टर सी वह भी यह लिखा कि 51,57,73 रुपये 30/6/2016 कैश विड्रा किए गए और बैंक जमा कराने से भेजे गए, जिहड़े कि कहे जा रहे कि असीं बाबे तू मैनू दित्ते है। लेकिन जिहड़ी आप जी ने गल की बई कुछ ऐसे पेपर सन जिहड़े पहले तुहाड़े कोल अवेलेबल नहीं सन, तो वो जिहड़ी हैगी है क्लोजर रिपोर्ट के लगाण तो बाद शायद वो तो पेपर जिहड़े ने प्रतख हो गए ने, ते जिहड़ी हुण इस टाइम जिहड़ी कहा जा रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट डिसमिस हो गई है, वो किन हालातों में हुई है और किहड़े ऐसे पॉइंट ने जिहड़े जज साहब ने किया या उन्हां नूं आई ओ नूं या उन्हां नूं कुछ किया गया? देखो पहले पॉइंट ते हो गए जिहड़े मैं हुणे तुहानूं दस्से है, क्लोजर रिपोर्ट दे विच 51 लाख दा जिहड़े सी एलीगेशन लगाया सी कि गबन होया, गुरु दी गोलक दी चोरी होई है, डकैती होई है, जिहड़ा झूठा नाम पाया गया सी कि असीं बाबे धुम्मे नूं दित्ते है, उहदे विच उह क्लीयर हो गया कि जद गुरु गुरद्वारा कमेटी दा टैली दा रिकॉर्ड, कैश रजिस्टर, डे बुक रजिस्टर, खजाने दा रजिस्टर सब कुछ कह रहा है कि पैसे बैंक गए है, पर वो बैंक की स्टेटमेंट ही तो है नहीं, बैंक की स्टेटमेंट केड़े पैसे शो हो रहे हैं, जोड़ा बाहरों डोनेशन आया 1 लाख कैनेडियन डॉलर, वो हुण इत्थे मजे की गल कि वह पैसा हुण अज बैक जिहड़ी बैंक जमा नहीं हो सकता, तो जिहड़ा 1 लाख कैनेडियन डॉलर आया वो साडा इल्जाम से असीं जज साहब नूं कहा गया इनकम टैक्स रिटर्न के विच नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? और जो वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई कि वाकई वो नहीं दिखाया गया। तीजी गल जी बाबे धुम्मे के उत्ते असीं कहा कि बाबे धुम्मे 974 पेजा के कदे भी 91 CRPC का नोटिस नहीं होया, मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से कदे सद्या नहीं गया, तो क्या उन्होंने आकाशवाणी हो गई, भविष्यवाणी हो गई कि फलाना थाना फलाना आई ओ फलाना SHO तो जाके उन्होंने स्टेटमेंट दे के आ जा, यह साडा पॉइंट से जिहदा पुलिस कोई जवाब नहीं। दूजा साडा इल्जाम सी किताबां वाला कि सिख विरासत नाँ दी किताबां दे नकली बिल पा के 80,000 किताबां दे फोर्स बिल पा के उसके अगेंस्ट रुपया विड्रा जिहड़ा गलत तरीके नाल पब्लिशर नूं दिता गया फिर उन्होंने को वापस लिता गया, वो किताब इन्होंने जिहड़ी लगाई वो इन्होंने लगा दी 2016 विच छपी साडी विरासत, असी इल्जाम लगा रहे हैं 2017 अप्रैल-मई का, एक किताब लगा रहे हैं जिहड़ी 2016 स्कूलों वंडी गई जिहदे अगेंस्ट 25-25 रुपये लिते गए और जिहदी पेमेंट गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का जो सेंट्रलाइज अकाउंट है उसदे विचों दिता गया, उसकी पेमेंट के रिकॉर्ड सन। उस तो बाद जड़ी किताब छपी वो 2016 वाली सी, असी वो किताब सी साड़ी विरासत, असी कह रहे हैं जड़े बिल पाए ने वो सिख विरासत के नाँ के पाए गए ने, फोर्स बिल पाए गए ने और पब्लिशर की स्टेटमेंट सीगियाँ। और उस तो बाद जो तीसरा इल्जाम असी लगाया सी रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड जो मनजीत सिंह जीके की लड़की और उसके दमाद की कंपनी है, असी कह सी कि कंपनी 3 साल तो बंद है, इस दे नाल गलत तरीके नाल फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन करके उसको बेनीफिट पहुँचाने की कोशिश की गई है। वो मजे की गल कि आई ओ ने ROC नूं लैटर लिखा सी
कि क्या है कंपनी बंद है फंक्शनिंग है या नहीं है। तो आर ओ सी तो भी वापस जवाब आया उस क्लोजर रिपोर्ट ही लग्या सी, जिसे क्लोजर रिपोर्ट आर ओ सी ने खुद कहा भारत सरकार की जो रजिस्ट्रार वो कंपनी से उसने कहा कि हाँ ये कंपनी ने 2015 तो बाद कोई बिजनेस नहीं किया। कहने का मतलब कि ये जड़े रिकॉर्ड आईओ ने गुरुद्वारा कमेटी तो खुद ही इकट्ठे किए, जड़े असी डिमांड करके कदे शायद सानू मिलते या ना मिलते, आरटीआई च मिलते या ना मिलते, उन्हें सानू तरीके ना थाली परोस के देते। असी सिर्फ मन लगा के पूरे ईमानदारी नाल दयानदारी नाल उसनू जदों इन्वेस्टिगेट किया चीज़ां बाहर निकल के आईया, तो जिसने इस क्लोजर रिपोर्ट को डिसमिस कराने दे विच गुरु आप अंग संघ सहाई होया। तो हुण जिहड़ा हैगा इसका जिहड़ा जज साहब ने की ऑर्डर किया, देखो क्लोजर रिपोर्ट जड़ी है वो टैक्निकल गल्लां तुहानू मेरे एडवोकेट रजिंदर छाबड़ा जी दसणगे हुणे, लेकिन मेन थिंग्स मैं तुहानू इह दस्सदा कि जज साहब ने उस दे विच पुलिस की जड़ी एक्सरसाइज है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उहदे ते बड़े जबरदस्त सवालिया निशान चुके ने, और उस दे बाद सारे पुलिस डिपार्टमेंट नू संदेह दे घेरे च एक तरीके नाल खड़ा कर दिता है, क्योंकि इस तो पिछली डेट दे उत्ते कंसर्न थाने दे डीसीपी एसीपी एसएचओ आईओ नू इन परसन बुलाया गया सी, बट डीसीपी साहब उस दे विच नहीं आए, एसीपी साहब जड़े आए उन्होंने जज साहब के सामने खड़े होकर मनिया, जो जज साहब ने उन्होंने पूछा कि आपने जो रेलिवेंट सैक्शन बनते थे उसमें FIR क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने जज साहब ने यह भी सवाल किया गया कि क्या ये 420 में जो आपने की है ये ठीक है, तो एसीपी साहब का उत्ते कहना सीगा कि नहीं 409 भी बनती है, 409 जड़ी होंदी है लाइफ इंप्रिजमेंट दी होंदी है उम्र कैद दी होंदी है, इसका मतलब सारिया गल्लां क्लीयर हो गया कि तुसी गलत सैक्शन के तहत गलत तरीके नाल इह सारी कार्रवाई की सी। जदों सारिया चीज़ां सब दे सामने आई हैं तो जज साहब ने इन्हों मुख रखद बड़ा ही सुलझा होया, मैं कहना इतना कमाल का ऑर्डर किया है कि मैं ये दाद देना चाहवागा उन्हों की जो कानूनी समझ है और जिस तरह का उन्होंने गुरु की गोलक नूं खास तौर पर उन्होंने एक लाइन विच लिखिया ने कि इस तरह के घपले अगर होणगे और पुलिस तंत्र दे रहिंदिया और गुरु की गोलक अगर लुट्टी जाएगी तो समाज के विच किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह की एक वो वेव चलेगी लोगों का कि परम जी जड़े जड़े गुरु प्रति श्रद्धा आए गुरु स्थाना प्रति श्रद्धा आए धार्मिक स्थाना प्रति श्रद्धा उसमें भी ठेस पहुँचेगी और आने वाले समय के इसका हालात कितने बदतर हो जाएंगे। शंडी जी हूँ जो सारा क्लोजर रिपोर्ट जी है डिसमिस हो चुकी है तो हूँ नैक्सट स्टैप आप जी वालों की लिता जाएगा। देखो जी मैं ये कई तरह के भरम भुलेखे जड़े कई मैं समझदा कि जड़े चेले चपाटे होंगे जिन्होंने इस गोलक चोरी के अपना हिस्सा बनाया होंगे वो अज भी संगतों को कई तरीके गुमराह कर जी अपनी कोशिशा कर, मैं उन्होंने अज सचेत कर देना चाहना कि ये जो अज क्लोजर रिपोर्ट डिसमिस हुई है इस तो बाद कई कामों के कानून की अपनी सीमावां ने मर्यादावां ने उस तो बाद कानून नहीं जा पाता, लेकिन मैं इस क्लोजर रिपोर्ट नूं डिसमिस होने तो बाद हाई कोर्ट जाके भावें मैनू सुप्रीम कोर्ट जाना पवेगा, मैं इस दे उत्ते जिन्ने भी रेलिवेंट सैक्शन बनते हैं सारे सैक्शन एड ऑन करावांगा, फोर्स बिल रिलेटिड जिहड़े सैक्शन ने 467 468 470 471 409 जिहड़ी लाइफ इंप्रिजमेंट दी सारे सैक्शन एड ऑन करावांगा और इस इन्वेस्टिगेशन नूं CBI या क्राइम दे विच ट्रांसफर करा के संगत दे विच एक मैसेज देंगा कि जो गुरु घर की गोलक की चोरी हुई है जो डकैती हुई है जो लुट खसुट हुई है आने वाले समय दे विच एक अजिहा मैसेज आए संगत दे विच कि इन्हां कामां दे विच जो गुरु घर दे विच अजे लुट खसुट करनगे उन्हां दा अंजाम भी इसे तरह का होने वाला जो अज मनजीत सिंह जीके का होएगा। साढ़े नाल सी गुरमीत सिंह शंटी जी, हुण असी जिहड़ियां टैक्नीकली असी चीज़ां ने या टैक्नीकली पॉइंट ने उन्हां नाल जिहड़े इस सारे केस नूं हैंडल कर रहे ने एडवोकेट रजिंदर छाबड़ा जी असी उन्हां नाल गल करांगे जी, आए आखते हैं रजिंदर छाबड़ा जी। रजिंदर छाबड़ा जी जिहड़ी असी गल कीती शंटी जी नाल ते टैक्नीकली जिहड़ी असी पुछना चाहवांगे भी क्योंकि पिछले दिनों दे विच एक महीने दे विच कई डेटा पईआं और जो हुण जज साहब ने फैसला दिता है उस विच टेक्निकली की चीज़ें है ने असं उस बारे गल करना चाहेंगे। देखिए जी ये जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है ये अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक ऑर्डर पास किया है, मेरे को आज 30-35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, देयर आर वेरी फ्यू ऑर्डर्स विच आर सो वेल रीजन्ड विच आर सो मच कोजेंट विच आर सो मच फोकस्ड एंड विच आर सो क्रिस्प ऑल्सो। I think this is the first time when the Honorable Court has taken into the consideration all the fact of the case coupled with the investigation carried out by the
दिल्ली पुलिस पर्टिकुलरली इन दिस केस बाय द पीएस नॉर्थ एवेन्यू एंड देन व्हाट आर द लैक्यूनास व्हाट आर द एनोमलीज व्हाट आर द इररेगुलरिटीज एंड व्हाट इज द फॉल्सहुड इन सबमिटिंग एंड व्हाट इज द रीजन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतनी सारी डेट्स लगने के पीछे कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने इनको भरपूर मौका दिया है कि आप अपनी करनी को ठीक करके लाइए, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर था कि इन्होंने बिल्कुल भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की सारी झूठी इन्वेस्टिगेशन की सारी फोर्ज्ड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनमें इनके पास होने के बावजूद इन्होंने कोर्ट को जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी उसमें कहीं पर कोई सबमिशन नहीं किया और बहुत ही एक गंदे तरीके से और बहुत ही जल्दी जल्दी में इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया। इस फैसले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है जो कि एक बहुत ही अच्छी मेरे हिसाब से राय दी गई है। कोर्ट ने ये अपने फैसले में लिखा है और कई जगह अपनी चिंता व्यक्त की है कि अगर पुलिस को जिसके ऊपर सब समाज को अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को संभालने की एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक जिम्मेवारी दी है वहाँ पर अगर आईओ से लेकर डीसीपी तक हर आदमी इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन जो फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रिंसिपल है उसको ओवरलुक करता है तो ये समाज में एक बड़ी ही गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो समाज में अराजकता पैदा हो जाएगी कि कौन किसके पास जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है वो सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी उसके अंदर। टेक्निकली स्पीकिंग द कोर्ट हैज स्टेटेड कि डिस्पाइट द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट एंड विच हैज़ बीन कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विच वॉज बींग मोनिटर्ड बाई द SHO ACP एंड DCP येट इवन प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 12/12 को 10/12/2018 को 12/12/2018 को कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है SHO को कि आप देखिए इसमें आपके IO साहब ने खुद कहा है कि इसमें ये अपराध हुए हैं और इसके हिसाब से आप धारा लगा के इसकी जांच कीजिए। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार रखते हुए एंड दैट वाज अ मैटर ऑफ वेरी बिग एंड ग्रेव कंसर्न फॉर द कोर्ट इफ द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट्स आर बीइंग फ्लाउटेड अंडर सम पॉलिटिकल क्लाउड और सम अदर क्लाउड इट इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द सोसाइटी कि इसमें प्रेजेंट केस में इतनी सीरियस एलिगेशंस थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उन सीरियस एलिगेशंस के जो धाराएं लगनी चाहिए कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि पुलिस ने जानबूझ के जो धाराएं जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है वो ना लगाते हुए बड़ी ही डाइल्यूट करके उनको लगाया गया है। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि ये पब्लिक सर्वेंट है सेक्शन 36 दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट के तहत, ठीक है, उसके हिसाब से इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी चार्ज लगना चाहिए। कोर्ट ने अपनी तरफ से एक और ऑब्जर्वेशन दी कि चूंकि इन्होंने फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में जो ये कह रहे थे कि बड़ी सीधी सी बात है ये जो इम्बेजलमेंट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग ये समुन्द्र में डूबे हुए एक बड़े विशाल करप्शन के पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है जो कंप्लेनेंट श्री गुरमीत सिंह शंटी जी द्वारा बाहर लाया गया है। ये पूरा पहाड़ तो अभी उजागर होना है, ऐसे कई किस्से हैं, कई ऐसे ऑफेंसेस निकलेंगे इस तरह के केन ऑफ वॉर्म जिसके अंदर इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के जैसे इन्होंने 4 NGO बना रखी है विच आई एम गिविन टू अंडरस्टैंड जो बाहर से डोनेशन लेके आते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से भी निकलने हैं। तो ऑब्जर्वेशन वाज लाइक दिस कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में आपने परमिशन नहीं ली फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसके बावजूद आप इसको बैंक मैनेजर के साथ मिलकर और कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आप उसको कैश करवा रहे हैं और सबसे ब्लाटेंट क्या कर रहे हैं काम, आप कैश तो करवा रहे हैं, जो पैसा निकलवा रहे हैं वो आप शो कर रहे हैं कि हमने कैश जमा करा दिया और जो हमने चेक का पैसा लिया उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर रहे। आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ सच ए ब्लाटेंट लेवल ऑफ करप्शन, आई वुडेंट से इट्स करप्शन, इट्स ए लेवल ऑफ इम्बेजलमेंट ऑफ द पब्लिक मनी बाई अ पब्लिक सर्वेंट नन अदर देन मंजीत सिंह जी के एंड दिस हरजीत सिंह एंड पप्पू ऑल दीज पीपल दे हैव फ्लाउटेड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट इन इट सेल्फ इज ए वेरी कंप्लीट एंड कंप्रीहेंसिव
एक्ट विच प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी. तो इसलिए कमिश्नर पुलिस को डायरेक्शंस दी गई. आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए वेरी हिस्टोरिकल स्टेप बाई अ लर्नेड MM. ऑनरेबल कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द कमिश्नर पुलिस कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट स्पेसिफिकली वेरियस इंस्टेंसेज जहाँ पर IO से लेकर DCP की भूमिका बड़ी ही गंभीर रूप से चैलेंज की गई है कि ये लोग अक्यूज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने गलत बयानी की है, डिस्ट्रॉय किए गए हैं एविडेंसेस को IO की रिपोर्ट के अंदर. और सबसे बड़ी बात कि जो एक भविष्य में जो खतरा नज़र आ रहा है कि अगर इस सिचुएशन को सख्ती से हैंडल नहीं किया गया तो बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली है. ख्याल में रखते हुए हम लोग 319 की एप्लीकेशन जैसे ही दोबारा आती है डेट उससे पहले हम मूव करेंगे. उसमें बाबा हरनाम सिंह जी धुमा जिन्होंने एक झूठे इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा बन के, षड्यंत्र का हिस्सा बन के एक्यूज पर्सन्स को मदद करने की कोशिश की है बाई प्रोड्यूसिंग द फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट रियल. उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा. ही विल बी इनरोल्ड एज एन एक्यूज. अपार्ट फ्रॉम दिस वन लेडी महेंद्र कौर इज देयर हु हैज स्पोकन आफ्टर टेकिंग द ओथ अंडर सेक्शन 164. उन्होंने झूठ बोलकर झूठा बयान दिया है. शी वॉज नॉट द इंचार्ज ऑफ द लिटरेचर स्टोर. शी वॉज इंचार्ज ऑफ 5 का कार. एंड दिस ऑल हैज बीन नोटिस बाई द ऑनरेबल कोर्ट. द कोर्ट हैज गोन इन टू सच ए डिटेल फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड से इन माई लाइफ दैट वेयर ऑल द फैक्ट्स हैव बीन कंपेयर्ड विद द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द IO. And this has specifically been pointed out, point by point, that this is where, what I will say in the words of like what is prevalent today, कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने adulteration with the facts की है, कहाँ कहाँ पे evidence destroy की है. और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे अब नज़र आ रही है, मुझे यह नज़र आ रहा है कि जो फासला गुरमी अपना मनजीत सिंह जी के, हरजीत सिंह और पप्पू का जो जेल तिहाड़ जेल के लिए था वो बहुत ही कम होता हुआ नज़र आ रहा है. क्योंकि जो भी सबूत हैं, जो भी एविडेंसेज हैं, वो सारे के सारे एविडेंसेज बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री हैं. दे हैव बीन रादर सील्ड अप और उनसे कोई भी किसी किस्म की अब छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. दे आर ऑल इन द पोजिशन ऑफ द पुलिस. और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी दे विल बी लैंग्विशिंग इन द तिहाड़ जेल फॉर देयर बैड कर्मा. गल कर रहे थे असी एडवोकेट रजिंदर छाबड़ा जी ना. गल उन्होंने कही कि ये तो कुछ अमाउंट हैगे ने जेडे सामने आए ने कि करोड़ों रुपए जड़े ने उतों की गबन होए ने और 125-150 करोड़ की फिगर जी ओपोजिशन वालों लगाई जाती है. तो कितने ना कितने वो अमाउंट भी जोड़ा है 2 करोड़ का जिमें सामने आया तो वह भी अगर कोर्ट वालों ऑर्डर आता है तो संगत का पैसे 150 करोड़ जोड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता वह भी जल्द संगत दे सामने आना चाहिए क्योंकि वो संगत दा पैसा है, संगत दी दसवंत दा पैसा है, संगत ने जिहड़े गुरुद्वारे सेवा वास्ते चढ़ाए ने वो पैसा है उहदा भी जिहड़ा है रिकॉर्ड जिहड़ा है वो भी जिहड़ी पारदर्शिता है वो संगत सामने जरूर आनी चाहिए है. रजिंदर छाबड़ा जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. रूबरू जिस विच सिखी अते पंजाबी खेतर विच खास मुकाम हासिल कीतियां शख्सियतां नाल एक खास मुलाकात फेस टू फेस जिस विच चर्चा अज दे हालात अते अज दी सोच दी एक मंच एहो जिहा मंच जिस विच चर्चा सिख मसलियां ते एक सांझ गुरु दी सांझ अते गुरु दी गल नवीं दिशा अज दे दौर विच खासकर यूथ नूं नवीं सोच देण दा उपराला Your voice, आप दी आवाज, जिस विच हर एक नूं खुला सद्दा अपने विचार सिखी चैनल दे प्लेटफॉर्म ते साझा करन दा, गल्लां व्यापार दियां, नेटवर्किंग ऑफ सिख नाल साझा उपराला, बलविंदर सिंह बाइसन दी निक्की कहानी दा वीडियो रूपांतर, कॉफी विद हरजोत संगत दी कचहरी, शॉर्ट टर्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस अते सिख न्यूज दे नाल नाल लैके आ रहे हां न्यूज चर्चा खबरां च खबर गुरबाणी खजाना पुरातन गुरबाणी रिकॉर्डिंग्स कथा गुरबाणी विचार अते 550 साल गुरु नानक साहब जी की शताब्दी नूं समर्पित निवेकले प्रोग्राम इस दे नाल नाल सिख इवेंट्स समागम अते सिख प्रोग्राम नूं लाइव टेलीकास्ट करन दा खास प्रबंध सो आप
अपने विचार अते सुझाव ले सानू नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपदे प्यार अते सपोर्ट की लोड़। बेनती है कि इस वीडियो नू वध तों वध शेयर अते फॉरवर्ड करो जी।